इतना है कि वो अप्रैल के बाद में मिलना अप्रैल के बाद में मिल रही है। तो उसी तरह की प्लानिंग आपके माइंड में यदि आप सेट करके रखेंगे तो कोई भी काम एकदम आसान है, उसका प्रिंसिपल सीखे तो एकदम आसान है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ट्रेन बहुत 2-2.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है, मालगाड़ी होती है कि नहीं होती है? आपको विचार आता होगा कि इतनी बड़ी मालगाड़ी में लोडेड सामान रहता है फिर भी कैसे खींचती है, बराबर है? लेकिन वहां पर सिस्टम काम करता है, बराबर है क्या? तो सिस्टम आपने सीख लिए तो आप भी वो ट्रेन चला सकते हो, वो चाहे कितने भी लोडेड हो, बराबर है। आपको पायलट बनना होगा तो पायलट का ट्रेनिंग आप भी ले लेंगे तो आप भी जमीन के ऊपर से फ्लाइट उड़ा सकते हो, बराबर है कि नहीं? मतलब हर चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? सीखने के ऊपर डिपेंड करती है, एजुकेशन, बराबर है। और वो एजुकेशन एटोमी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओपनिंग के बाद में मिलने वाला है, जिसके वजह से आम इंसान भी इसमें क्या होने वाला है? खास होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है। एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, एजुकेशन अपने माइंड से निकाल लेना है। एजुकेशन केवल हमको समझने के लिए आवश्यकता है। यदि समझने के लिए आवश्यकता मतलब एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता तो आज पीएचडी होने वाले लोग प्यून की जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, राइट? और एजुकेशन का इतना ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता तो सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन होते? एजुकेशन लेने वाले होते, और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाता। लेकिन कितने लोग हैं अभी तक के कि जिन्होंने पीएचडी किया है और उनका नाम अमीरों के लिस्ट में आया है? एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो फेल हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई में बार बार फेल हुए, वो आज अमीर बने हैं, राइट कि नहीं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप पढ़े लिखे हो कि क्या हो, ये अपने मन से निकाल लो। क्योंकि हम हैं बिजनेसमैन, हम कौन है? बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन का एक ही लक्ष्य होता है, मेरे जितने कस्टमर रहेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। इतना ही आप ध्यान में रखो, मेरे जितने कस्टमर रहेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। ये बात टाटा ने सोची है, इसीलिए टाटा स्काई हमारे घर में है, है कि नहीं? तो करोड़ लोगों का टाटा स्काई यूज करते हैं, वीडियोकॉन का करते हैं, रिलायंस का करते हैं, बहुत सारे इसका करते हैं, टॉक टाइम भी अलग अलग कंपनी का करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति किसी ना किसी का नेटवर्क का क्या है? हिस्सा है कि नहीं? तो आपके पास भी कंपनी ने अभी एटोमी के पास में 380 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और इंडिया ओपन होने के बाद में 2-3 साल के अंदर में हमारे पास में कौन आने वाला है? अजहम मॉल आने वाला है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। और अजहम मॉल के साथ मान लीजिए कि भी 3 साल के बाद में आ रहा है, आप यहाँ पर आज ज्वाइंट हो गए, और ज्वाइंट होने के बाद में 1 लाख लोग इधर हो गए, 1 लाख लोग इधर हो गए, कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, नहीं होता। हम पैदा हुए तो एक दिन में हुए क्या? नहीं, 9 महीने 9 दिन लगे, ऐसा हमारी मम्मी पापा बताते हैं। आपके तरफ क्या बताते हैं? सबके तरफ क्या बताते हैं? बराबर, एक नहीं मतलब सेम है ना? तो 9 महीने 9 दिन लगे, पढ़ाई भी की है, ग्रेजुएशन की है तो कम से कम 15 साल लगे, पीजी किए होंगे तो और 2 साल 17 साल लगे। मतलब हर प्रोसेस में समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा, लेकिन समय लगने के बाद में 3 साल के बाद में आपने 3 लाख 4 लाख या 1-1 लाख का टीम बना दिया। और बाद में क्या शुरू हुआ इंडिया में? अजामाल शुरू हुआ। अजामाल के पास अभी 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स है। कितने? 10,000 प्लस। और केवल आपके टीम में केवल 2 ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, एक है ओनियन और दूसरा है टोमेटो। समझ लो, हाँ, टमाटर और प्याज, टमाटर और प्याज, तब भी क्या होगा? हर घर में यूज होता है। ओह, होता है कि नहीं होता? आज कोरिया में टमाटर भी लेते हैं लोग तो भी पॉइंट वैल्यू मिलता है, आज प्याज भी लेते हैं। वाओ, वेरी गुड। टमाटर प्याज भी लेंगे तो भी पॉइंट वैल्यू
वैल्यू मिलता है और फीस मटन भी लेंगे तो क्या बात, और एक बार जोरदार। इतना बड़ा सिस्टम जब इंडिया में आ जाएगा और आपके पास में टीम होगा तो मुझे बताइए कि अमीर बनने से आपको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप टू बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो केवल वो आपका खुद माइंड है, अपना खुद। मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते, और आप बोलेंगे मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। इतना बोलते हुए आज का जो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन था ब्रीफ में, द एंड करने के पहले सभी का एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपने मुझे एकदम शांति से सुना, धैर्य से सुना, बहुत सारे काम छोड़कर भी यहाँ वेटिंग कर रहे होंगे, है ना? तो सभी का शुक्रिया अदा करते हुए आज का मेरा जो ब्रीफ जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो द एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट आप सबके लिए, सब इंतजार कर रहे हैं लोग के, सिर्फ